Hello friends, I am Dr. Manish Hinduja. I work at Kokilaben Hospital, Mumbai as consultant cardiac surgeon. I mainly take care of the adult part of cardiac surgery work here. So, आज हमारा topic of discussion है कि किन patients में angioplasty करानी चाहिए और किन patients में bypass surgery करानी चाहिए. इसमें बहुत डिस्कशन किया जा सकता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिस्कशन होता है जिसके लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, कभी कभी नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट सब मिल के एक हार्ड टीम बना के डिसाइड करते हैं. बट मैं चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँ तो हृदय की तीन मेन आर्टरीज रहती हैं जो हृदय को सप्लाई करती हैं ब्लड. अभी ये तीन मेन आर्टरीज में से किसी भी एक आर्टरी में ब्लॉकेज है या तीनों में ब्लॉकेज है या दो वेसल्स में ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है और उसकी वजह से सिम्टम्स आपको इमरजेंसी में आ रहे हैं या आप स्टेबल हैं और खाली चलने पे या मेहनत करने पे सिम्टम्स आते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि किन में एंजियोप्लास्टी करना चाहिए और किन में बाईपास सर्जरी करना चाहिए. मगर फिर भी अगर हम सिंपल समझें कि अगर पेशेंट स्टेबल हैं और आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद में ब्लॉकेजेस डिटेक्ट हुए हैं तो हम तीन तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. या तो हम खाली मेडिसिंस दे सकते हैं या फिर हम उनमें स्टेंट करके कर सकते हैं या तो फिर बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं. यूजुअली नॉन क्रिटिकल लीजन्स जिन जैसे कि 70% से कम ब्लॉकेजेस अगर हैं तो हम उनमें खाली मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करते हैं. या फिर अगर ब्लॉकेजेस क्रिटिकल हैं मगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिनमें हम स्टेंटिंग या बाईपास कर सकें तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट से ही ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वेरी एल्डरली पेशेंट्स, वेरी मॉर्बिड पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स. बिटवीन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी अगर देखा जाए तो अगर तीनों वेसल्स में ब्लॉक है, ब्लॉक बहुत एक्सटेंसिव है, कैल्शियम जमा होने की मात्रा अगर नसों में बहुत ज़्यादा है और अगर लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है या फिर तीनों वेसल्स में ब्लॉक के साथ में प्रॉक्सिमल एलईडी जो वेसल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेसल है, उसका प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व है, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें स्टेंटिंग का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है, वैसे पेशेंट्स को ही हम बाईपास सर्जरी एज अ फर्स्ट ऑप्शन देते हैं. बाईपास सर्जरी उनमें भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे देती है जिनमें हृदय का जो फंक्शन है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ बोलते हैं, वो 35% से कम हो गया है अटैक आने के बाद में आपकी एंजियोग्राफी हुई है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपके ब्लॉकेजेस के साथ में कोई वैल का भी ऑपरेशन या वैल का भी ट्रीटमेंट नीडेड है, ऐसी कंडीशंस में भी बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी से हम प्रिफर करते हैं. फिर भी ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपकी एंजियोग्राफी होती है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन से सेकेंड ओपिनियन लीजिए कि आइडियल ट्रीटमेंट क्या है और आपका ट्रीटमेंट वैसे ही डिसाइड कीजिए. कोकिलाबेन हॉस्पिटल में वी वर्क एज अ हार्ट टीम, द कार्डियोलॉजिस्ट एंड द कार्डियक सर्जन, सो यू कैन कम टू अस फॉर सेकेंड ओपिनियन एनी टाइम एंड वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच.